दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छा से डिस्कस करते हैं। जो भी दोस्तों अच्छा पॉइंट लगे उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। पहला सवाल है कि सर फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न इन, ऑप्शन है ए 1540, बी 1561, सी 1580 और डी 1620। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1561। दोस्तों याद रखिएगा फ्रांसिस बेकन का जन्म 1561 और मृत्यु 1625 में हुई थी। फ्रांसिस बेकन एक इंग्लिश एसेस्ट थे, इन हम फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से भी जानते हैं। द्वार द रॉयलिस्ट इन द एज ऑफ मिल्टन आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैवेलियर्स, प्रोटेस्टेंट्स, इंटेलेक्चुअलिस्ट या रिफॉर्मर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कैवेलियर्स। टू होम रोमांटिसिज्म वॉज द एडिशन ऑफ एस्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, किसके लिए जो रोमांटिसिज्म था वह एडिशन ऑफ एस्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी है, मतलब इस डेफिनेशन को किसने दिया है। ऑप्शन है आर्नोल्ड, बी टेनिसन, सी पैटर और डी इलियट। तो दोस्तों याद रखिएगा एक इंग्लिश एसेस्ट थे जिनका नाम था वाल्टर होरासियो, वाल्टर होरासियो पैटर। इन्होंने रोमांटिसिज्म को डिफाइन किया एज अ एडिशन ऑफ एस्ट्रेंजनेस टू द ब्यूटी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल है कि द पोएम द सॉन्ग ऑफ द सॉर्ट वॉज रिटन बाई, ऑप्शन है ए मिसेस ब्राउनिंग, बी पो, सी शेली, डी थॉमस हुड। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस हुड। अगला सवाल है कि हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। ऑप्शन है इसके लिए ए एलन टैट, बी जेसी रामसन, सी क्लिंथ ब्रुक, डी रोनाल्ड ब्रेथ्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी जेसी रामसन। अगला सवाल है कि हु क्वाइंड द टर्म द थिएटर ऑफ अब्सर्ड। ऑप्शन है होराल्ड पिंटर, बी सैमुअल बेकेट, सी यूगिन लॉनेस्को और डी मार्टिन एस्लिन। तो दोस्तों 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन एस्लिन। अगला सवाल है कि द बैटल ऑफ माल्डन वाज फॉट इन, जो माल्डन का युद्ध था वो लड़ा गया था 1991, 1990, 1975 और 1980। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991। लेकिन पूछा जाए कि जो माल्डन का युद्ध था ये किनके किनके बीच लड़ा गया, तो याद रखिएगा कि इट वॉज फॉट बिटवीन सेक्सन्स एंड वाइकिंग रेडर्स। तो याद रखिएगा सेक्सन्स और वाइकिंग्स के बीच लड़ा गया, वाइकिंग्स रेडर्स जो लेते थे उन्हीं के बीच ही लड़ा गया बैटल ऑफ माल्टा। ड्रास्टोपिया इज अ डैश डैश, अ फेमिनिस्ट यूटोपिया, बी अ साइंटिफिक यूटोपिया, सी अन एकेडमिक यूटोपिया और डी ऑप्शन है अन एंटी यूटोपिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। याद रखिएगा यदि हम बात करें ड्रास्टोपिया की तो यह एक इमेजरी स्थान है कि इट इज एन इमेजरी प्लेस वेयर पीपल आर अनहैप्पी एंड यूजुअली ट्रीटेड बैडली एंड दे आर अफेयर्ड। मतलब एक आपका जो यूटोपिया का कंसेप्ट था कि एक बहुत अच्छे जगह की कल्पना की जाती है जहाँ पे जीवन की मतलब हर सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पे कोई भी करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। तो उसी के एंटी के रूप में लिया गया दोस्तों डिस्टोपिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। हाफ राइम्ड वाज प्रैक्टिस बाय, ऑप्शन है मिल्टन, बी है डब्ल्यू बी येट्स, सी है शेक्सपियर, डी है टी एस इलियट। दोस्तों यदि हम बात करें हाफ राइम की तो इसको सबसे पहले इंग्लिश में प्रयोग करने वाले थे हेनरी बोगान।
फर्स्ट यूज किसने किया इंग्लिश में, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, हेनरी बोगान, VAUGHAN, हेनरी बोगान। लेकिन इसको पॉपुलर फर्म किया, मतलब इसको पॉपुलरिटी प्रदान किया गया दोस्तों, आपके एक थे जीएम हॉपकिंस और WB Yeats, इनकी रचनाओं के माध्यम से इसे फेमस किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा WB Yeats, सबसे पहले इंग्लिश में प्रयोग किए हेनरी बोगान, लेकिन इसको पॉपुलर किए WB Yeats। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, विलियम बटलर एड्स। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और कम से कम आप अपने एक दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगला है कि हु अमंग द फ्लोइंग कॉल्ड लैंग्वेज द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। तो जो फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक थे वो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन है सेम्सबर्ग, आई ए रिचार्ड्स, आर्नोल्ड और आर ए स्कॉट जेम्स। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा आपका आई आर रिचार्ड्स। अगला सवाल है कि हु सेड दैट ट्रू विट इज व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। माने विट जो है, एक बुद्धि जो है, ये अक्सर सोचा जाता है लेकिन इसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। इस रूप में विट, बुद्धि को किसने डिफाइन किया, किसने एक्सप्लेन किया? ऑप्शन है ए एडिसन, बी है ड्राइडन, सी पोप और डी कॉलरिज। तो दोस्तों 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोप। पोप कहने से आशय है एलेक्जेंडर पोप। इनकी एक पुस्तक थी ऑन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। क्या नाम है दोस्तों? कहाँ से इस कंसेप्ट को लिया गया, कहीं ये भी पूछा जा सकता है कि ऑन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इसी पुस्तक से इसको लिया गया है, जिसमें एलेक्जेंडर पोप विट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो कहाँ से लिया गया है? तो ऑन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। और किसकी रचना है ऑन एसे ऑन क्रिटिसिज्म? एलेक्जेंडर पोप की है, तो उन्हीं ने इसे डिफाइन किया है। अगला क्वेश्चन है कि सर थॉमस मैलोरी कंपोज्ड मोर्टेड आर्थर इन 1469, इन विच ईयर वाज इट पब्लिश्ड। तो 1469 में दोस्तों इसको सर थॉमस मेलोरी लिखे थे मोर्टेड आर्थर को। इसे पब्लिश कब किया गया? ऑप्शन है 1479, 1484, 1475 और 1485। तो दोस्तों आपका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1485। तो यहाँ पे लिखा गया 1479 में, पब्लिश किया गया 1485 में। लैम्स एसेस्ट आर फुल ऑफ। दोस्तों आपके जो चार्ल्स लेम है उनकी जो ऐसे हैं उसमें क्या होती है? आयरोनी एंड सटायर, बी ह्यूमर एंड पैथोज, सी सरकाज और डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमर एंड पैथोज। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है, ये जो चार्ल्स लेम है ये किस एज के राइटर हैं? प्लीज नोट डाउन कीजिएगा कमेंट में, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। अगला सवाल है सेलिज जेनिसवाज बेसिकली ड्रामेटिक, लिरिकल, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव। तो शेली का जो जेनिस जीनियस है वो आपका बेसिकली लिरिक्स में है, लिरिकल पोएम वो ज़्यादा लिखते थे। अगला सवाल सेम है वही, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही आसान सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल बहुत ही आसान है लेकिन बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि अ सोनेट कंप्राइजेज 16 लाइन्स, बी 14 लाइन्स, सी 12 लाइन्स और डी 20 लाइन्स। तो दोस्तों ये जो आपका बी ऑप्शन है 14 लाइन्स, यही करेक्ट आंसर है। अगला है 39 नंबर सवाल, सिविल वार इन इंग्लैंड वाज फॉट इन सेंचुरी। सिविल वार कब लड़ा गया? दोस्तों सिविल वार की बात करें तो सिविल वार 1642 से लेकर 1651 के बीच में लड़ा गया। 1642 से लेकर 1651 के बीच में लड़ा गया, और किनके बीच में लड़ा गया? चार्ल्स दी फर्स्ट, याद रखिएगा नाम, चार्ल्स दी फर्स्ट एंड पार्लियामेंट। तो चार्ल्स दी फर्स्ट और पार्लियामेंट के बीच एक सिविल वार होता है दोस्तों। इसको हम, इस सिविल वार को हम वार्स ऑफ थ्री किंगडम्स के नाम से भी जानते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, वार्स ऑफ थ्री किंगडम्स के नाम से भी जानते हैं। चार्ल्स के अनुयायियों को हम क्या बोलते हैं? कैवेलियर्स बोलते हैं।
और जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं राउंड हेड्स। ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों जो आपको याद होना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगला सवाल है, द सोल्जर्स ऑफ क्रॉमवेल वेयर नॉन एज डार्क हेड्स, राउंड हेड्स, लार्ज हेड्स, ब्रेव हेड्स। तो अभी हम चर्चा किए थे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राउंड हेड्स। हु इज रिनाउंड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क हॉली सोनेट्स। हॉली सोनेट्स के लिए दोस्तों आपके कौन से कवि जाने जाते हैं, डॉन, हेरिक, पॉप या मिल्टन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी आपका जॉन डॉन। ठीक है दोस्तों, जॉन डॉन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। होरास आर्स पोटिका इज ऑल्सो नॉन एज पोएट्री, द आर्ट ऑफ पोएट्री, सी पोएटिक्स, डी पोएटिक आर्ट। तो दोस्तों 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द आर्ट ऑफ पोएट्री। दोस्तों द आर्ट ऑफ पोएट्री है, इसको किस भाषा में लिखा गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको लैटिन भाषा में लिखा गया था। अगला सवाल है दोस्तों आपका, होरास आर्ट पोटिका इज अन एपिस्टल्स और वर्स लेटर टू हिज फ्रेंड पिसासो, पियासो, पियासो के द्वारा दोस्तों इसको पियासो के लिए लिखा गया था, उनकी जो फ्रेंड थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, आर्ट्स पोएटिक्स मीन्स अ ट्रीटाइज ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग, प्रोज, बी है लेटर, सी ट्रेजिडी, डी पोइट्री। तो दोस्तों ये पोइट्री पे लिखा गया था, तो आपका 44 का करेक्ट आंसर होगा डी। अगला है कि अरबिंदो सावित्री इज डैश डैश, अरबिंदो की एक रचना है सावित्री, ये क्या है, एन एपिक, बी अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, सी अ ड्रामेटिक मोनोलॉग और डी अ हिस्टोरिकल वर्क। तो दोस्तों 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एन एपिक। अब आपका अगला सवाल है कि हु सैड पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन है ए शेली, बी कीट्स, सी बायरन, डी कॉलरिज। तो दोस्तों 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए शेली। अगला सवाल है, किट्स आइसाबेला इज रिटेन इन, जो किट्स की आइसाबेलिया है इसको लिखा गया है बैलेड स्टेंजा, हीरोइक कपलेट, चौसरियन स्टेंजा या ऑक्टाव रीमा? तो अटावा रीमा में दोस्तों इसको लिखा गया था, तो 47 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी अटावा रीमा। अगला सवाल है, 48 टू हुम आर द फ्लोइंग लाइन्स एस्क्राइब्ड, ये जो नीचे लाइन है किसके लिए लिखा गया था, लिखा गया है व्हेन एडम डेवलप्ड एंड ईव स्पेन, हु वाज देन द जेंटलमैन, ए है गोवर, बी है जॉन बेल, सी वाट टाइलर और डी चौसर। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों जॉन बेल। अगला सवाल है आपका, द प्रेज ऑफ फॉली बहुत अच्छा रचना है दोस्तों, वाज रिटेन बाई किसके द्वारा लिखा गया था, वाल्टर राल्फ, वाल्टर रीले, इरास्मस, चार्ल्स लैम, हैजलिट। तो दोस्तों ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरास्मस। 49 का करेक्ट आंसर होगा इरास्मस। वर्ड्सवर्थ प्रोल्यूड इज अ, दोस्तों वर्ड्सवर्थ की प्रोल्यूड क्या है, अ मेटाफिजिकल पोएम, बी हिस्टोरिकल पोएम, सी अ सेटायरिकल पोएम या डी अन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो दोस्तों 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। दोस्तों इसको पब्लिश की थी वर्ड्सवर्थ की विधवा विडो मैरी, मैरी ने इसको दोस्तों पब्लिश की थी, यह एक अनफिनिश्ड वर्क था। दोस्तों प्रील्यूड का एक और नाम है दोस्तों, उसका क्या एक और नाम है जरूर कमेंट में बताइएगा। विच पोएम ऑफ किट्स इज बेस्ड ऑन बुट्स बर्टनस एनाटॉमी ऑफ मेलानकोली, इंडोमियन, बी लामिया, सी हाइपरसन, डी आइसाबेला। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 51 का लामिया। एट्स रोट अ पोएम, एट्स का अनुसार से डब्ल्यू बी एट्स, विलियम बटलर एट्स। द लेक आइजल ऑफ आइनसफ्री, वेयर इज आइनसफ्री सिचुएटेड, आइनसफ्री कहाँ है, इट इज ऑन इमेजिनरी आइसलैंड, बी इट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंग्लैंड, सी इट इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ इंग्लैंड या डी इट इज सिचुएटेड इन लॉग गिल।
तो दोस्तों ये लॉक गिल में सिचुएटेड है जो आपका आयरलैंड में पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। 53 नंबर सवाल है कि द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश ड्रामा बिगेन व्हाइल शेक्सपियर वाज अलाइव, जेम्स फर्स्ट एक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ डाइड, या मिल्टन वाज बॉर्न। तो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए। 54 नंबर सवाल है कि हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर कंपोज, 154, बी 164, सी 180, डी 200। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 154। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है, उनका जो 153 और 154 जो सोनेट्स है, ये किसको डेडिकेटेड है, किसके लिए लिखा गया था। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।